देख रहे हैं जगदूत न्यूज। नमस्कार, जगदूत हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र चैनल में मैं नीरज शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। मानसी प्रखंड के पूर्वी ठट्ठा पंचायत के सरकुंडी में 10,72,375 रुपए की लागत से पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन सदर विधायक पूनम देवी यादव ने किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष वास्तुविद सामवीर यादव उपस्थित थे। विधायिका ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, कम या ज्यादा पर हमारा काम बोलता है। वर्षों से सड़क जो सरकुंडी से बिहार जाने वाली पूर्वी ठट्ठा पंचायत मानसी प्रखंड के ये सड़क सरकुंडी का है और ये वर्षों से जर्जर रोड था। आम आवाम को घुटना भर कीचड़ में चलना पड़ता था। आज देख रहे हैं कि इस रोड का कायाकल्प हुआ है, मेरे द्वारा उद्घाटन हुआ है और ये जो हमारे किसान हैं, कृषक हैं, जो फसल उपजाते हैं वो आसानी से इस रोड पर चल के जाएंगे, जो पशुपालक हैं वो भी जाएंगे, आम आवाम का ये रास्ता सुगम हो गया है। वहीं खगड़िया प्रखंड के रांको पंचायत अंतर्गत चंद्रनगर वार्ड नंबर 6 में 6,87,500 की लागत से सुंदरी गंगाधर युवा सार्वजनिक पुस्तकालय भवन के ऊपरी तल का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। विधायिका ने छात्र छात्राओं से मिलकर उनकी समस्याओं को भी सुनने का कार्य किया। वहीं सुंदरी गंगाधर के सभी शिक्षक गण विधायिका से छात्राओं की समस्याओं को बताया। विधायिका ने कहा, जल्द ही समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। के शास्त्री ने भी सभा को संबोधित किया। बेहतर शिक्षा चाहते हैं, समाज की उन्नति तरक्की प्रगति चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पूनम जी के हाथों को मजबूत करें। विधायिका ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत हमारे द्वारा खगड़िया में चहुमुखी विकास किया जा रहा है। आज का शिलान्यास समारोह के अध्यक्षता कर रहे जमाती शिक्षा और हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारे शिक्षा के लिए हम सबों के लिए जो दान है दिए हुए दान करता हमारे गंगा बाबू, जिन्होंने ये अपने जमीन को शिक्षण संस्थान में क्षेत्र में हमारे बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए कंप्यूटर सीखने के लिए ये बहुत ही बड़ा काम किए। हम सब और हमारे साथ चलने पदाधिकारी की ओर से जो गंगाधर पंडित जी हैं, मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। सब्सक्राइब करें और